आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं स्प्लेंडर प्लस और प्लेटिना कंफर्ट में। तो इन दोनों बाइकों में कड़ा मुकाबला है क्योंकि प्लेटिना और स्प्लेंडर प्लस में काफी बदलाव हुआ है, तो इसलिए इन दोनों बाइकों में बहुत ही छोटे अंतर से जीत हार या कौन सी बाइक ज्यादा सही है इसका पता चलेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल राहुल बाइक्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मॉडल की बात करें दोनों बाइक्स में, तो अपनी जगह पे दोनों मॉडल सही हैं। देखने में दोनों बाइक शानदार हैं और फैमिली टाइप बाइक हैं, क्योंकि सीट और हैंडल का पोजीशन दोनों बाइक्स का सही है। स्प्लेंडर प्लस थोड़ा सा भारी दिखती है प्लेटिना से, और स्प्लेंडर प्लस में पीछे सीट हैंडल या कैरियर या बैकरेस्ट आपको ऐसा मिलता है जिसपे आप कुछ भी बांध सकते हैं या रख सकते हैं, और ये चीज आपको प्लेटिना में नहीं मिलती है। लेकिन प्लेटिना में LED DRL आपको मिलते हैं जो कि स्प्लेंडर में नहीं है। कंफर्ट आपको दोनों बाइक में मिलेगा, लेकिन स्प्लेंडर की सीट हाइट है 785 mm और प्लेटिना की सीट हाइट है 798 mm। यहाँ पर प्लेटिना की सीट हाइट थोड़ा सा ऊंची है, इसलिए आप दोनों बाइक पर बैठ के देख लें कि आपके लिए कौन सी बाइक ज्यादा सही रहेगी। और वजन की बात की जाए तो स्प्लेंडर का है 109 किलोग्राम और प्लेटिना का है 108 किलोग्राम। इसलिए प्लेटिना आगे से आपको चलाने में हल्की महसूस होगी। जब आप बाइक को खुद भी चला के देखेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि प्लेटिना का पहिया जब दो लोग बैठेंगे या एक सिंगल पे ही आगे से हल्की आपको महसूस होगी। दोनों बाइक में 11 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है। अब बात करते हैं इंजन की, तो स्प्लेंडर प्लस में लगा है 97.2 cc का इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है 8.2 bhp 8000 rpm पर, और मैक्सिमम टॉर्क है 8.5 Nm 5000 rpm पर, और बोर है 50 mm, स्ट्रोक है 49.5 mm। और प्लेटिना में लगा है 102 cc का इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है 8 bhp 7500 rpm पर, और टॉर्क है 8.6 Nm 5000 rpm पर, बोर है 47 mm और स्ट्रोक है 58.8 mm। यहाँ पर दोनों बाइक का इंजन सही है, पिकअप भी सही है। जिस हिसाब से बाइकें हैं उसी हिसाब से उनका पिकअप भी है, क्योंकि BHP और टॉर्क लगभग सेम है। लेकिन स्प्लेंडर प्लस में स्क्वायर इंजन होने से चलाने में थोड़ा सा प्लेटिना से ज्यादा सही चलती है। और इंजन की बात मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। माइलेज की बात की जाए दोनों बाइक में, तो प्लेटिना की माइलेज ज्यादा है स्प्लेंडर प्लस से। स्प्लेंडर प्लस प्लेटिना के जितना माइलेज नहीं दे पाएगी। प्लेटिना की माइलेज है 70 से 80, यहाँ पर मैं देने वाली बात कर रहा हूँ। स्प्लेंडर प्लस की माइलेज है 60 से 70, यहाँ पर माइलेज के लिए प्लेटिना ज्यादा सही है। सस्पेंशन की बात की जाए तो दोनों बाइक में आगे टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, और पीछे प्लेटिना में ट्रेलिंग आर्म विथ कोएक्सल हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, जिसमें दो स्प्रिंग है जिसको SNS बोलते हैं, और स्प्लेंडर में लगा है स्विंग आर्म हाइड्रोलिक सस्पेंशन, दोनों लगभग सेम सस्पेंशन है। टायर की बात की जाए तो स्प्लेंडर प्लस में आगे और पीछे 2/75/18 का टायर है, जिसमें 18 इंच के अलॉय व्हील है, और प्लेटिना में 2/75/17 का आगे और पीछे 3/17 का टायर है। ब्रेकिंग दोनों की सही है, दोनों बाइक सेल्फ स्टार्ट है, दोनों में ड्राई बैटरी आपको मिलती है। तो अभी तक आपने जाना दोनों बाइक में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। अब करते हैं अंत में सबसे जरूरी और खास बात। तो दोनों के मॉडल सही हैं, दोनों के वजन में 1 किलोग्राम का अंतर है, लेकिन प्लेटिना कुछ आगे से हल्की महसूस होती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन कीमत भी प्लेटिना की लगभग 5000 रुपए कम है स्प्लेंडर प्लस से। प्लेटिना की कीमत है लगभग 55000 रुपए ऑन रोड प्राइस, और स्प्लेंडर प्लस की कीमत है लगभग 60000 ऑन रोड प्राइस। दोनों बाइक वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अगर आप सिर्फ माइलेज के लिए बाइक चाहते हैं तो प्लेटिना आपके लिए बेस्ट है। रीसेल वैल्यू स्प्लेंडर प्लस की ज्यादा है प्लेटिना से। दोनों बाइक के इंजन में स्प्लेंडर प्लस का इंजन थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस के लिए। और ऐसा नहीं है कि प्लेटिना का इंजन लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस के लिए सही नहीं है, उसका भी सही है, लेकिन आपको सर्विस का विशेष ध्यान रखना होगा प्लेटिना का, क्योंकि अंडर स्क्वायर इंजन है, पिस्टन छोटा है, तो सर्विस में लापरवाही करेंगे तो धुआं देने का खतरा हो सकता है। और प्लेटिना जब से BS4 हो गई है तब से परफॉर्मेंस और सही हो गई है प्लेटिना की। तो यहाँ पर सभी चीजों को मिला के देखा जाए तो स्प्लेंडर प्लस थोड़ा सा ज्यादा सही है प्लेटिना से। मार्केटिंग करने के लिए दोनों बाइक सही है। तो अगर आप माइलेज कंफर्ट सस्ती बाइक चाहते हैं तो प्लेटिना लें, या फिर कंफर्ट माइलेज रिसेल वैल्यू आदि चाहिए तो आप स्प्लेंडर प्लस लें। और कमेंट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगली कौन सी बाइक का कंपेरिजन आप देखना चाहेंगे। इन चीजों को आप कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में आपने जाना स्प्लेंडर प्लस और प्लेटिना में क्या अंतर है, दोनों में क्या क्या आपको मिलता है, और कौन सी बाइक ज्यादा सही रहेगी आपके लिए। मैं आशा करता हूँ आप इन सारी चीजों को समझ गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए एक बार दोबारा से आपका धन्यवाद।